हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे सोनाज किचन और मैं हूँ सोना। दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं कॉर्नफ्लेक्स नमकीन। ये दिवाली के लिए बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही आसानी से बन जाता है और टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया लगता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है, लेकिन देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम ये कॉर्नफ्लेक्स, ये स्पेशल नमकीन बनाने के आते हैं, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी मूंगफली ली है मैंने, सूखा नारियल ऐसे पतले काट के ले लिए हैं और किशमिश ले ली है, एक हरी मिर्च ले ली है मैंने टुकड़ा करके और थोड़े से करी पत्ता। इन सारे चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। दोस्तों, मैंने एक प्लेट रेडी करके ऑलरेडी रख दी है, उस पर टिश्यू पेपर रख दिया है ताकि जो भी चीज़ें हम भुने उसे इस पर निकाल सकें। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिए है और उसमें मैंने तेल डाल दिया है। दोस्तों, फ्लेम मीडियम है, तेल गरम हो गया है कि चेक करेंगे हम। और ये देखिए, तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है तो फ्लेम को भी लो कर देंगे। हम जो कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं उसको बारी बारी इस तेल में फ्राई करेंगे। हमें इसे जैसे हम लोग पापड़ फ्राई करते हैं उस तरह से फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी भून जाते हैं, फूल जाते हैं, तो जैसे ही ये फूल जाते हैं हमें इसे बाहर निकालना है। ज़्यादा देर ना रखें नहीं तो जल जाएंगे। तो ये हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। मैं ऐसे ही सारे जो कॉर्नफ्लेक्स हैं उसे ऐसे ही निकाल लेती हूँ भून के। कॉर्नफ्लेक्स भून के हो गए हैं तो अभी हम लोग इसी तेल में मूंगफली फ्राई करेंगे। मूंगफली हमें अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई करनी है तो ही ये बहुत ही बढ़िया लगेगी हमारे नमकीन में। तो ये देखिए, हमारी मूंगफली भी फ्राई करके हो गई है तो अभी इसे निकाल लेते हैं उसी प्लेट पे जिस प्लेट पे हमने कॉर्नफ्लेक्स निकाले हैं। मूंगफली के बाद बारी आती है इस नारियल की और किशमिश की। इसे ज़्यादा देर ना भुने, झट से इसे निकाल दीजिए। सिर्फ आधे मिनट इसे तेल में रखिए और इसे निकाल दीजिए। इसके बाद हम लोग तेल में फ्राई करेंगे करी पत्ता और हरी मिर्च। इस दोनों चीज़ों को आपको बहुत ही क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है तो ही ये बहुत बढ़िया टेस्ट लाएंगे हमारे नमकीन को। सारी चीजें भून के हो गई है दोस्तों, तो अब चलते हैं नमकीन मिक्स बनाने की ओर। मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है और उसमें ये सारी चीजें मैं डाल रही हूं। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक पहले कम ही डालें, बाद में चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, मुझे थोड़ा तीखा पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद लगभग एक चौथाई चम्मच मैं इसमें शक्कर की पाउडर आती है वो डाल रही हूँ, उससे तीखा खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगेगा ये नमकीन। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें और कोई ड्राई फ्रूट चाहिए, अगर आपको काजू चाहिए तो भी आप मिक्स कर सकते हैं। और आपने देख लिया है ये नमकीन कितनी बढ़िया बनती है, बहुत इंस्टेंट है। जो भी वर्किंग वुमेंस हैं उनके लिए तो बेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी रेसिपी की फरमाइश हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। तो चलिए, टाटा बाय बाय।